मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह विदेश दौरे से दिल्ली पहुंचे। राइजिंग राजस्थान के रोड शो को लेकर जर्मनी और लंदन के दौरे पर गए थे। दिल्ली से जयपुर लौटने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज भव्य स्वागत किया जाएगा। प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर स्वागत कार्यक्रम होगा, जिसकी तैयारियां की गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बीजेपी मुख्यालय से हमारे संवाददाता अनिल सैन हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल सैन, अपने विदेशी दौरे को पूरा करते हुए आज राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा स्वदेश वापस लौट आए हैं। जयपुर एयरपोर्ट कब पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां उनके स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की हुई है, कैसा माहौल वहां का दिख रहा है? देखिए, भाजपा मुख्यालय के बाहर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम देखेंगे थोड़ी देर में एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पर पहले उनका स्वागत वहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और समारोह बीजेपी के मुख्यालय के बाहर जो पंडाल लगाया गया है यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन स्वागत किया जाएगा। तमाम जो कार्यकर्ता है हमने देखा सुबह से ही कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया था और एक भव्य मंच यहाँ पर लगाया गया है बीजेपी कार्यालय के बाहर। बीजेपी मुख्यालय के बाहर ही ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। हमने देखा था पिछली बार जब दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लौटे थे तो उस दौरान भी बीजेपी मुख्यालय के अंदर अभिनंदन यहाँ पर रखा गया था। ये मंच की तस्वीर है, मंच के ऊपर फिलहाल अगर देखा जाए तो दामोदर अग्रवाल सांसद हैं वो पहुंच चुके हैं, बाल मुकुंदाचार्य जो कि विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं थोड़ी देर बाद क्योंकि एयरपोर्ट पर भी जो सीनियर पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं वहाँ पर अभिनंदन करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर जो संबोधन का कार्यक्रम होगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, यहाँ से बताएंगे कि आखिरकार कितना निवेश जो वो राजस्थान में लेकर आए हैं, राजस्थान को कितनी सौगात यहाँ पर मिलेंगी जर्मनी से और उसके बाद में यूके लंदन से कितना निवेश यहाँ पर ले पाएंगे, राजस्थान में कितना निवेश हो पाएगा, कितना एमओयू यहाँ पर हुआ है। तो ये जो तस्वीर है यहाँ पर थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और उसके बाद में ही यहाँ से जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम रहेगा वो इस मंच के माध्यम से आम जनता को कहीं ना कहीं बताने का काम होगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी उनके साथ में गई थी, उन्हीं के साथ में वापस लौट रही हैं और एक प्रतिनिधि मंडल जो कि उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल था, तमाम अधिकारी उसमें शामिल थे, उन अधिकारियों का जो प्रतिनिधि मंडल था वो भी एमओयूज के दौरान और बैठकों के दौरान वहां पर मौजूद रहा था। तो इस सिलसिले के अंदर तमाम जो प्रतिनिधि मंडल वहां पर गए थे एक अभिनंदन उनका भी कहा जा सकता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में निवेश लाने को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसके साथ साथ देश में भी अगर देखा जाए मुंबई में रोड शो किया, दिल्ली में रोड शो किया और अब कहीं ना कहीं दक्षिण कोरिया और जापान के बाद में जर्मनी और यूके का विदेश दौरा यहाँ पर किया है। अब कितने एमओयू जो है, कितना निवेश के लिए सकारात्मक माहौल यहाँ पर बना है, ये तमाम जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं जनता के सामने रखने का काम यहाँ पर करेंगे और जनता को बताएंगे कि आखिरकार उनका जो दौरा यहाँ पर रहा है विदेश का वो कितना महत्वपूर्ण दौरा रहा है और आने वाले क्योंकि दिसंबर महीने में राइजिंग राजस्थान समिट है तो उसके पहले अभी और कई राज्यों के अंदर रोड शो जो आयोजित होने वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रोड शो होंगे और रोड शो के साथ साथ तमाम जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर तैयारी यहाँ पर की जाएगी। दिसंबर में होगा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट लेकिन उससे पहले नवम्बर का महीना अभी बाकी यहाँ पर है तो एक महीने तक लगभग इस महीने के दौरान तमाम जो तैयारियां वो यहाँ पर की जाएंगी और दूसरे जो दौरे हैं निवेश को लेकर सिंगल विंडो के तहत कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। अधिकारियों को हमने देखा था कि पहले ही दिन जिम्मेदारी दी गई थी कि तमाम जो अधिकारी हैं वो इस राइजिंग राजस्थान समिट के तहत जो निवेश यहाँ पर आएगा उसको भी यहाँ पर देखेंगे। सरकार की तरफ से कहा जा सकता है कि काफी अच्छी पहल है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्योंकि राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए पहले भी इस तरह की समिट आयोजित हो चुकी है लेकिन इस समिट में कहीं ना कहीं सफलता हासिल करना चाहते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ये बताना चाहते हैं कि अगर प्रयास हो तो उस प्रयासों के दौरान वो भी कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ सकते हैं। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए।